ये क्या कर रहा है यार तू? इतना गंदा! ये पेन भी ऐसे ही रख रखे हैं, ये ऐसे रखने के लिए लाया था तू? चाहिए। मेरा पहला वाला पेन होल्डर बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका है। नया पेन होल्डर चाहिए, वरना मैं नहीं रखूंगा, यहीं पे रख लेंगे। फिर यार तू क्यों इतना लड़ता है? मुझे नया पेन होल्डर चाहिए। होल्डर? अच्छा सुन, मेरे पास एक आइडिया है, चल क्या? एक नया पेन होल्डर बनाते हैं। चलो पेन होल्डर बनाते हैं। तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं पेन होल्डर का। सो गाइस, सबसे पहले हमें एक पेंसिल बनाने के लिए चाहिए। आप एक बॉटल ले सकते हो और उसको इतना नीचे से काट सकते हो। मैंने थोड़ा बड़ा लिया है, आप चाहो तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हो इसे। देन हमें एक मार्कर चाहिए, फिर हमें एक फेविकॉल चाहिए, और हमें चाहिए एक सीजर चाहिए हमारे, और हमें चाहिए कुछ हमारी कलरफुल ऐसे शीट्स। तो सबसे पहले गाइस हम लोगों ने क्या कर लेना है, हमें सबसे पहले जो हमारा ये रेड वाला है इसको हमें ऐसे ऊपर लगा लेना है। ओके गाइस, तो गाइस हमने इसको पूरा यहाँ से कवर कर लिया है, और पीछे से भी मैंने पूरा चिपका दिया है इसे। मैंने फेविकॉल से किया है, आप हॉट ग्लू गन से भी कर सकते हो। वो मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ नीचे से जो प्लेस हमारी बच गई है हमें क्या करना है, वहां से ऐसे करके हमें ऐसे कट कर लेना है। और जब हम इसे ऐसे कट करेंगे तो हमें क्या करना है गाइस, इसके ऊपर हल्की सी फेविकॉल लगा के आप लोगों ने इसको ऐसे ऐसे चिपका लेना है, इसे ऐसे चिपका लेना है। ओके गाइस, ऐसे ही हम औरों को भी ऐसे ही चिपका लेंगे और इसको अच्छे से। तो गाइस मैंने यहाँ से इसको नीचे से पेस्ट कर लिया है, और ये ऐसे रखने के लिए अब मेरा बन चुका है। अब मुझे क्या करना है गाइस, एक प्यारी सी थोड़ी बड़ी सी मुझे एक किटी बनानी है इसमें। मैं एक काम करती हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ और फिर मैं किटी बना लूँ। सो गाइज मैंने अब ये बिल्कुल पैक कर लिया है और मेरे ये किटी भी अच्छी सी बन गई है। ये कैसे बनानी है मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने ऐसे ही ब्लू कलर के पेपर से ये इस शेप में काट लिया। मैं इसको ऐसे ज्वाइंट करूँगी और नीचे किटी को ऐसे, और ये जो हैं वो मैं इसमें ऐसे लगा दूंगी गाइज, ऐसे लगेंगे और ये किटी लग जाएगी इसके टी शर्ट पर। मैं एक ह्यूमन किटी बनाना चाहती हूँ, जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो जो किटी जैसा हो। ओके, तो हमें ऐसे करना है। तो सबसे पहले गाइज मेरे को ये करना है। तो गाइज मैंने सबसे पहले मार्कर से क्या करना है, ये किटी का फेस बना लेना है गाइज। तो किटी के फेस के लिए मैं ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे, और दो ऐसे डॉट डालूंगी मैं उसकी आईज में, और तब बाकी की जो बची हुई आईज है उसमें मैं कर दूंगी ऐसे ऐसे कलर। ओके गाइस, हमने ऐसे ऐसे कलर कर देना है इसकी आईज पर। देन हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है इसकी नोज की टिप। हम थोड़ी ऐसी करेंगे और नीचे से हम इसको थोड़ा ऐसे बनाएंगे। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया। हम इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, थोड़ी फेस इसका थोड़ा सा डरा हुआ। देन हम ऐसे कर देंगे। हम इसके हाथ बनाने के लिए इस वे में ऐसे कर देना है। ओके गाइस, ऐसे करना है, हम थोड़ा सा इधर से ऐसे कर देंगे। ठीक है, जो थोड़ा सा अलग दिखे। और हमें क्या करना है, फेविकॉल से हमें इनके जो हार्ट्स हैं वो चिपका लेने हैं। ये मैंने जो हार्ट था इधर बीच में ये ऐसे चिपका दिया है, और इसके हम इसके कानों पर भी करेंगे गाइस, कानों पर भी हम इसके चिपका देंगे। तो गाइस हमारी ये किटी हो चुकी है रेडी। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल चीज़ है, हमें इस किटी को कर देना है इधर पेस्ट। तो सबसे पहले हमने इसमें लगा लेनी है अपनी फेविकॉल। ओके, हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं गाइस, और हमने इधर लगा लेना है इसको
इस तरीके से कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, अगर हम इसको कहीं रखे गाइस तो ये ऐसे ही रहे, ठीक है, वो खराब ना हो हमारा जो नीचे का पार्ट है। ओके गाइस, देन हमने क्या करना है, इसका फेस लगा लेना है। अब नेक्स्ट चीज हमें इसका फेस का करना है, तो हम फेस पर भी फेविकॉल लगा लेंगे। ऐसे करने से गाइस क्या होता है ना, जहां जहां फेविकॉल हमारी नहीं पहुंच रही है वहां वहां भी चली जाती है फेविकॉल हमारी। मोस्टली फेविकॉल वेस्ट नहीं होते। थोड़ा सा नीचे हम करेंगे गाइस, ये हमारे जो इसके एयर्स हैं वो भी आएंगे, तो हमने ऐसे कर लेना है। अब हमारी बारी है इसके एयर्स लगाने की, तो हम ये थोड़ा सा आपको ज्यादा फेविकॉल लगाने की जरूरत होगी इसमें, क्योंकि क्या है ना ये थोड़े थोड़े ऊपर भी दिखेंगे। तो वो सबसे पहले हम एक ईयर लगाएंगे इसका, देन हम नेक्स्ट लगाएंगे। तो ये रहा इसका एक ईयर, हमने ऐसे लगा दिया। ओके गाइस, और दूसरा ईयर हमने ऐसे लगा दिया। हमने इसके ईयर्स जो हैं वो अच्छे से फिट कर दिए। देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे इसकी आउटलाइनिंग करनी है। मैं आपको आउटलाइनिंग वाला बाद में व्यू दिखाती हूँ। देखिए गाइस कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो गाइस ये देखिए मेरी दीदी ने कितना अच्छा ये बनाया है गाइस, पेंसिल होल्डर और पेन होल्डर। तो गाइस अगर आपको ऐसी चीज चाहिए तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पहले वीडियो सब्सक्राइबर कम है, थोड़ा बढ़ेंगे तो मजा आएगा। तो गाइस अभी आपको पता है कोविड 19 चल रहा है, तो इसलिए अपने घर पे रहिए, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।